नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइफ ऑन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बहार। खेती का किसानी या फिर पशुपालन के संबंध में अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान लाइव हमारे विशेषज्ञ से बात करके आपको इस प्रोग्राम में मिलता है। तो आइए आपको बता देते हैं कि हमारे आज के लाइफ ऑन कार्यक्रम हेलो किसान का क्या विषय है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय रहेगा कुक्कुट पालन और मछली पालन। विषय से संबंधित कोई भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप सीधा हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-11-3060 और 61 पे हमें फोन कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से छोटी सी गुजारिश है, जब भी आप हमें फोन करें अपने टेलीविजन की आवाज को बिल्कुल बंद रखें और नेटवर्क क्षेत्र में अगर आकर आप अपने प्रश्न पूछेंगे तो विशेषज्ञों तक आपका प्रश्न साफ तौर पर समझ आ पाएगा और सुनाई भी दे पाएगा। आइए आपका परिचय करवा देते हैं हमारे स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञ से। कुक्कुट पालन पर हमारे ज्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नरेश जिंदल जी, और साथ ही मछली पालन पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर अरविंद मिश्र। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। विषयों के संबंध में तमाम जानकारी एक घंटे के इस कार्यक्रम में जानने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपके फोन कॉल्स भी इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर नरेश जिंदल जी से। डॉक्टर नरेश, सबसे पहले आप ये बताएं कुक्कुट पालन कितने प्रकार से, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे कुक्कुट पालक हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं? इसमें मुख्य तीन प्रकार आती हैं। एक वो प्रकार है जिसमें हम मीट के लिए चूजे को तैयार करते हैं, जिसको हम ब्रॉयलर बोलते हैं, ब्रॉयलर चिकन। दूसरा है हम अंडों के लिए मुर्गियां रखते हैं। और तीसरा एक प्रकार आती है कि जो इन दोनों के माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, उनको रखा जाता है, जिसको हम हैचरीज बोलते हैं। ये तो मुख्यतः ये तीन प्रकार हैं जहाँ जिस जो अलग अलग किसान भाई वो अलग अलग वो फार्म बना के रखते हैं। बिल्कुल, तो एक मांस के लिए किया जाता है, एक अंडों के लिए किया जाता है और जो एक हैचरी जो इनके माँ बाप जो इनके पेरेंट्स होते हैं उनके लिए किया जाता है। बिल्कुल, ये तो हमने बहुत संक्षेप में जाना कि कितने प्रकार से जो है आप कुक्कुट पालन कर सकते हैं। इस पर विशेष जानकारी, ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी एक छोटी सी खास रिपोर्ट। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के साथ साथ ऐसे बहुत सारे व्यवसाय जुड़े हैं, लेकिन उसमें से एक मछली पालन है। मछली पालन को जलीय खेती भी कहा जाता है। वर्षाकालीन इस मौसम में गांव, जोड़, तालाब आदि में जल संचय के साथ साथ मछली पालन कर सकते हैं। किसान खेती बाड़ी के साथ साथ डेयरी, मछली पालन व बागवानी को अपना कर अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। मछली में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं और उनमें से ऐसी कुछ प्रजातियां हैं जिसे सुखा कर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। मछली खाने से शरीर को बहुत तरीकों से स्वस्थ रखा जा सकता है, जैसे कि दिल और धमनियां मजबूत होती हैं। जो लोग हृदय रोगी होते हैं उनके लिए मछली खाना बहुत फायदेमंद होता है। मछली खाने से शरीर के अंदर मौजूद अतिरिक्त वसा समाप्त होती है, जिससे मोटापा कम होता है। तो अभी आपने मछली पालन पर हमारी छोटी सी खास रिपोर्ट देखी, क्योंकि हमारा अगला विषय मछली पालन पर ही है। हम अगली जो चर्चा करेंगे अरविंद मिश्र जी से वो मछली पालन पर ही करेंगे। तो डॉक्टर अरविंद, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, तो हमारे जो मछली पालक हैं वो किस तरह से मछली पालन इस वक्त कर सकते हैं? इस समय मत्स्य पालक भाई अपने तालाबों में मछली के बीज डाल रहे हैं, तो उनको अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी मछलियां हैं जो अच्छी बढ़वार उनकी होती है तालाबों में, उनका बीज कहां से मिलता है और कितनी मात्रा में बीज तालाबों में डालना चाहिए। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और किसान भाई इस बारे में कोई जिज्ञासा करते हैं तो उनको विस्तार से हम लोग बताएंगे। ख़ास तौर पर ये ज़रूरी है उनको बताना कि जो हमारे यहाँ एक मॉडल अभी बहुत सभी प्रदेशों में चल रहा है वो मिश्रित मत्स्य पालन का है। उसमें 6 प्रजातियाँ मछलियों की हैं, रोहू, कतला, नैन और ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प। ये 6 प्रजातियाँ हैं जिसको मिला करके हम तालाब में पालते हैं, मत्स्य पालक पालते हैं, क्योंकि तालाब के हर क्षेत्र का उपयोग हो सके और उसका उत्पादन बढ़ सके। कतला तालाब के ऊपरी सतह में रहती है, रोहू उसके बीच में रहती है और नैन नीचे रहती है। इस तरह
सिल्वर कार्प भी ऊपर रहती है, ग्रास कार्प बीच में या ऊपर भी दोनों तरफ आती जाती रहती है और केवल घास खाती है, और घास न मिलने पर और भी चीज़ें उसको दे सकते हैं। कॉमन कार्प बिल्कुल तलाटी में रहती है, जिससे पूरे तालाब का उपयोग हो जाता है और उसकी उत्पादकता काफ़ी बढ़ जाती है जी। और इसमें नीली क्रांति योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीली क्रांति मिशन के तौर पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लागू किया है, सभी प्रदेशों में। उसमें भी विभिन्न योजनाएं हैं जिसमें हमारे मत्स्य पालक भाई अपना लाभ ले सकते हैं, उनसे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, मत्स्य व्यवसाय कर सकते हैं। बिल्कुल वही डॉक्टर नरेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने बताया कि तीन प्रकार से जो है वो कुक्कुट पालन किया जा सकता है, तो मांस के लिए कौन से जो मुर्गा या मुर्गी है उनको पाल सकते हैं, साथ ही अंडों के लिए किनका पालन किया जा सकता है, कौन सी ऐसी किस्म है? ये देखिए, जो ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर के लिए हमारे पास कुछ लाइन ऐसी हैं जो अच्छी कमर्शियल लेवल पे, जिसका वजन बहुत अच्छा आता है, उन लाइन को अलग अलग उनका ये मार्केट में, आपको बाजार में जो हैचरीज हैं वो देती हैं, आप उनसे वो ले सकते हैं। और अमूमन जब हम ब्रॉयलर की बात करते हैं तो करीबन आप ये मान के चलिएगा कि 6 हफ्तों के अंदर करीबन 2 किलो वजन तैयार हो जाता है, जितनी हमारी नई लाइन आई हैं उनसे, और ये बड़ा अच्छा वजन है। और जो जितना विज्ञान में जितनी बढ़ोतरी हुई है उसके चलते हुए हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि करीबन करीबन 6 हफ्ते के अंदर अंदर हम 2 किलो तक वजन इसे ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह लेयर में भी कुछ लाइन ऐसी हैं जिनकी अंडे की प्रोडक्शन है, अंडा देने की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी है, करीबन 300 तक हम अंडा उनसे, 300 अंडे एक उसमें ले सकते हैं जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब भी कोई भी फार्मर या किसान भाई जब भी इस व्यवसाय को करना चाहे, वो चाहे वो अंडा देने वाली मुर्गी का हो, चाहे वो ब्रॉयलर का हो, मीट देने के लिए रखे, लेकिन उससे जुड़ी उसको कुछ जो बेसिक बातें हैं वो जरूर पता होने चाहिए। बिल्कुल, उन जानकारियों के बारे में जरूर जानेंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं कुक्कुट पालन पर हमारी खास रिपोर्ट। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अच्छा साधन बन सकता है। बहुत कम लागत से शुरू होने वाला यह व्यवसाय काफी फायदेमंद व्यवसाय है। यह व्यवसाय किसानों के बीच काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बात अगर अंडा उत्पादन की करें तो चीन और अमेरिका के साथ भारत विश्व का एक अग्रणी देश है। मुर्गी पालन व्यवसाय ने गांवों में बेरोजगारी को काफी हद तक कम किया है। बात करें अगर इनके रख रखाव की तो मुर्गियों को खुले स्थान और स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए। अच्छे मांस और अंडा उत्पादन के लिए संतुलित आहार और पीने का साफ पानी का प्रयोग करना चाहिए। मुर्गी पालकों को अधिक उत्पादन और मुनाफा मिलता रहेगा। तो अभी आपने कुक्कुट पालन पर भी हमारी एक छोटी सी खास रिपोर्ट देखी, और हमारे साथ हमारे कार्यक्रम के पहले कॉलर अनुराग त्यागी जी मुजफ्फरनगर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका प्रश्न। हेलो 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 अनुराग जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो, किस कारणवश लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर नरेश, आपके पास हम वापस आएंगे। जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट में देखा कि इस व्यवसाय में जो है लागत कम लगती है, तो लगभग अगर हमारा जो नया मुर्गी पालक है एकदम सिरे से शुरू करना चाहता है, नए तरीके से शुरू करना चाहता है, किस प्रकार से कर सकता है, और शुरुआत के समय में कौन कौन सी मुर्गियां ब्रॉयलर रखना ज्यादा बेहतर उनके लिए रहेगा कि अंडा जो मुर्गी देती है लेयर मुर्गी जो है वो रखना ज्यादा बेहतर रहेगा? देखो, दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं। ये निर्भर करता है कि एक किसान भाई कितने पैसे लगाने की क्षमता रखता है। जो ब्रॉयलर इंडस्ट्री है, ब्रॉयलर का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 6 हफ्ते के अंदर ही हमको रिटर्न आ जाता है। मान लो अगर हम 100 रुपया लगाते हैं तो उसका जो भी उस समय मार्केट रेट होगा वो हमें मिल जाएगा। लेकिन अंडा देने वाली मुर्गी में हमें जो पैसा आना शुरू होगा वो करीबन 20 हफ्तों के बाद शुरू होगा, जब अंडे की प्रोडक्शन शुरू होती है जी। लेकिन आपको इसके साथ साथ ये भी किसान भाई को देखना पड़ेगा कि मान लो वो एक
छोटे स्केल से काम शुरू करना चाहता है तो वो कोशिश करे कि मान लो अगर वो ब्रॉयलर रखता है, चाहे मान लो 1000 ब्रॉयलर रख के चलता है, तो करीबन करीबन हम ये मानते हैं कि जो भी उस समय पे आप अंदाजा मान लो कि 25 रुपए का एक चूजा आ रहा है, तो इसके ऊपर करीबन करीबन 3 से 3.25 किलो के फीड की खपत आती है 2 किलो का वजन लेने के लिए। और अगर हम ये भी मान के चले कि 26 से 27 रुपए किलो फीड मिलता है, तो करीबन करीबन हम ये मान के चलते हैं 100 और 105 रुपए में हम एक मुर्गा जिसका करीबन वजन 2 किलो होगा तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने बिजली का और वो छोटे छोटे खर्चे नहीं वो इंक्लूड किए कि कई बार मृत्यु दर भी किसी बीमारी से हो जाता है। तो अंदाज़ा आप ये मान के चलिए कि अगर एक फार्मर, एक किसान भाई अगर लागत देखेगा, चलती लागत को, तो वो अगर 1000 का फार्म करता है तो उसको करीबन 1.25 लाख रुपए की लागत आएगी। लेकिन इससे पहले उसको शेड भी बनाना पड़ेगा, और शेड के साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ब्रॉयलर इंडस्ट्री को देखें तो इसमें 3-4 चीज़ें हम मेन मानते हैं कि आपका चूजा अच्छा हो जी। चूजे के साथ आपका फीड अच्छा हो, फीड के साथ आपका रख रखाव अच्छा हो, और मैं इसके साथ चौथी चीज जोड़ता हूँ कि इसके साथ जहाँ पर आपने फार्म किया है वहाँ पर पानी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये अगर चारों चीजें आपकी अच्छी हैं तो हम ये मानते हैं कि आप उससे प्रॉफिट हर हालत में ले पाएंगे। जी बिल्कुल। हेमराज जी हमारे साथ होशंगाबाद से फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार हेमराज जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछे। मैडम जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, ये सबसे हमें सबसे छोटा तालाब बनवाना है मछली पालन के लिए, तो कितने बार कितने का बनेगा सबसे छोटा तालाब जी, और खर्चा कितने रुपए का आएगा जी, और क्या कुछ सब्सिडी मिल सकती है सरकार की तरफ से? ठीक है डॉक्टर मिश्र। देखिए सबसे जो छोटा तालाब है उसको अगर 0.2 हेक्टेयर 50 डिसमिल अगर आपके यहाँ ये समझते हो 50 डिसमिल 0.2 हेक्टेयर का जो तालाब है उससे जो मछली पैदावार होगी वो आर्थिक रूप से ठीक होगी। अगर इसके नीचे के आप लेते हैं तो अच्छा उत्पादन या आर्थिक दृष्टि से खाने पीने के लिए आपको मिल जाएगी, लेकिन व्यावसायिक लाभ उससे आप नहीं कर पाएंगे। और 0.2 हेक्टेयर का तालाब आपको बनाने में आपका करीब 70-80 हज़ार रुपये ये खर्च होंगे, और ये नीली क्रांति मिशन के अंतर्गत तालाबों के बनवाने पर सरकार की सब्सिडी है। भारत सरकार तालाबों के निर्माण पर अगर 1 हेक्टेयर तालाब है तो 5 लाख रुपए तक वो उसकी यूनिट कास्ट है, जिस पर 50% केंद्र सरकार देती है और आपका राज्य संभवतः वो आपको पता करना होगा 25% देगी और 25% आपको अपनी तरफ से लगाना होगा। तो इस तरह से चूँकि आपका तालाब आपके पास लगता है ज़मीन कम है इनके पास, तो 0.2 हेक्टेयर का सबसे छोटा तालाब जी, सबसे छोटा 0.2 हेक्टेयर का है, उसके नीचे हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं जी। जी वही कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है जब तालाब निर्माण करें या जब उसके अंदर मछली का बीज डालें, तो किस तरीके का तालाब होना चाहिए? देखिए तालाब उस तरह का हो कि उसमें पानी का सीपेज ना हो। कभी कभी तालाब कंकड़ीली और पथरीली जमीन पर बन जाता है तो वो पानी उसमें बहुत तेजी से नीचे जाता है, और ऐसा तालाब ठीक नहीं है। जो दुमट मछली मिट्टी है, चिकनी दुमट, वो सबसे अच्छी मानी जाती है मछली पालन के तालाब के लिए। और तालाब इस तरह से हो कि वो चारों तरफ से उसमें एक तरफ इनलेट में पानी बरसात का आए और एक तरफ से निकल जाए, और उस पर वो जाली लगनी रहनी चाहिए ताकि उसमें जो अवांछित प्रजातियां हैं मछलियों की वो तालाब के अंदर ना आने पाए। तो इस तरह से एक तरफ थोड़ा ढलान भी हो सकता है ताकि पानी निकल सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें तालाब के निर्माण किस स्थल पर करें, स्थल चयन महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हर जगह हर ज़िले में मत्स्य विभाग के कार्यालय हैं, वहाँ मत्स्य विभाग के बहुत से इंस्पेक्टर हैं और उसके अधिकारी हैं, सहायक निदेशक मत्स्य हैं जी। उनसे जा कर के भी उनसे संपर्क करना चाहिए और मिट्टी की जाँच भी करानी चाहिए। ऐसे जगहों पर तालाब बनाने चाहिए जहाँ की मिट्टी ठीक हो और पानी की रिटेंशन पावर, पानी की धारण क्षमता अच्छी हो जी। जी वही हमारे साथ अनिरुद्ध जी जुड़ गए हैं लखीमपुर से इस वक्त, आइए लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो
हेलो जी अनिरुद्ध जी, स्वागत है आपको हमारे कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? जी मैम, मैं कुक्कुट पालन के बारे में जानकारी चाहता हूँ, ब्रॉयलर उत्पादन करना चाहता हूँ, उसी के बारे में जानकारी चाहता हूँ। 1000 ब्रॉयलर से स्टार्टिंग करना चाहता हूँ, तो उसमें कॉस्ट और मतलब यही जानकारी चाहता हूँ मैं। बिल्कुल, तो ब्रॉयलर के संबंध में तमाम जानकारी चाहते हैं, क्या कॉस्ट लगेगा? किसान भाई, मेरा ये कहना है कि इसमें देखो, मैंने जैसे रनिंग कॉस्ट बताई थी, लेकिन मैं शुरू से दोबारा बताना चाहूँगा कि आपको पहले थोड़ी सी ज़मीन चाहिए और उसके ऊपर शेड बनाना है। मान लो अगर आप 5000 चूजों का शेड बनाना चाहते हो, ये चूजे रखना चाहते हो, तो उसकी शेड की जो क्षमता होगी वो 5000 स्क्वायर फीट होगी। एक वर्ग फुट जगह हमको चाहिए एक बड़े चूजे के लिए, तो उतनी अगर आप जगह का शेड बनाएंगे तो आप उस हिसाब से चूजा रख सकते हैं। 5000 चूजे के लिए 5000 वर्ग फुट जगह, अगर 2000 रखना चाहते हैं तो उसके लिए 2000 वर्ग फुट जगह। सबसे पहले शेड होगा, उसके बाद आप जहाँ पे फार्म लगा रहे हैं, कुक्कुट पालन करना चाहते हैं, वहाँ पानी अच्छा हो। अगर पानी वहाँ का अच्छा नहीं है, आपके पास ऐसा साधन हो कि आप आसपास से अच्छा पानी लाके उनको स्टोर कर सकें और उस पानी को आप लगातार उनके पिला सकें। तीसरा इसमें आता है कि मान लो आपने शेड भी बना लिया, आपको लगता है कि आपके पास पानी का स्रोत भी अच्छा है, उसके बाद आप एक जो हैचरी होती है जहाँ से आपको एक दिन का चूजा मिलेगा, वो आप चूजे लेके आइए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो स्रोत से चूजे ले रहे हैं उस स्रोत की अच्छी रेपुटेशन हो, उसका चूजा अच्छा हो। जब आप चूजा लेकर आएंगे, आने के बाद आपको उसको आप दाना भी ऐसी जगह से खरीदिए, दाना सूखा भी हो, दाना अच्छा भी हो, दाने की क्वालिटी भी अच्छी हो, उस दाने को आप लगातार पहले दिन से खिलाएंगे। और इसमें रख रखाव भी आपको अच्छा चाहिए, जैसे पहले हफ्ते हमको 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच तापमान चाहिए और हर हफ्ते हम 5-5 डिग्री तापमान को कम करते आएंगे। इसके साथ साथ अगर मान लो आपने 5000 चूजा ले रहे हैं, तो फीड और पानी के बर्तन भी उसी अनुपात में आपको रखने पड़ेंगे जी। अगर मौसम गर्मी का रहता है तो हम ये कहते हैं कि 1.5 से 2% आप बर्तन रखेंगे जितना आपका चूजा है, और अगर मान लो सर्दी का मौसम है तो थोड़े अगर बर्तन कम भी हो उससे काम चलेगा। और ये भी सुनिश्चित करें कि चूजों को पानी हमेशा मिले। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3-4 चीज़ें हैं जहाँ पर हमारा पैसा लगता है, चूजे की कीमत है, उसके बाद फीड दाने की कीमत है, कुछ दवाइयों की कीमत आती है, और आपकी लेबर की कीमत आती है। अगर आप सब जगह थोड़ा थोड़ा बचाव करके चलेंगे और अच्छी तरह चूजा पालेंगे, मैं इसको 100% मानता हूँ कि आपको उसका प्रॉफिट जरूर मिलेगा। बिल्कुल, श्रवण पाटिल जी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका प्रश्न शामिल करते हैं। हेलो हेलो श्रवण जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं विशेषज्ञों से, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मेरे को जो कुक्कुट पालन के बारे में जानने का है जी। और वो जो ब्लैक रहता ना, ब्लैक मुर्गी, हाँ ब्लैक जो रहती ना, उसके बारे में कि वो उसके गुणधर्म जानने के। बिल्कुल, जो काले रंग का मुर्गा है उसके बारे में तमाम जानकारी लेना चाहते हैं। देखिए, दो तरह से फार्मिंग है। एक तो फार्मिंग है जो इंटीग्रेटेड, या जो वो फार्मिंग जिसमें हम अच्छी ब्रीड और लाइंस पालते हैं ताकि हमारे हमको अच्छा वजन मिले और हमको अच्छी अंडों की संख्या मिले। जो हमारे देसी जितने भी ब्रीड आती हैं, चाहे वो असील है, चाहे वो कड़कनाथ है, कोई भी ब्रीड, चाहे मुर्गियों की अंडे उत्पादन वाली लें या हम मीट उत्पादन वाली लें, उनकी क्षमता अंडा देने की और मीट की जो कमर्शियल है उनसे बड़ी कम है। लेकिन काफ़ी लोगों की इसमें वो रहती है कि रुचि रहती है कि हम जो इसको हम एक तरह से बैकयार्ड पोल्ट्री भी बोलते हैं कि भी वो करना चाहते हैं, नंबर चाहे 50 रखें, 40 रखें, 100 रखें, 200 रखें, तो ये रखते हैं। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ पे आती है कि इसको हम कभी भी दाने के ऊपर ज़्यादा न पाल कर हम जो घर के बाहर जो चीज़ें मिल जाती हैं वो देना पसंद करते हैं।
अच्छा, मुर्गी के चाहे वो हम मीट उत्पादन ले चाहे अंडा उत्पादन ले, दोनों के लिए संतुलित आहार जरूरी है। और जब तक संतुलित आहार नहीं मिलेगा, ना वो अंडा ढंग से दे पाएगी, ना उसमें मीट का उत्पादन ढंग से होगा। तो मेरे भाई, अगर आप करना भी चाहते हैं करिए, लेकिन ये जरूर देखिए कि इसमें जो उनको आहार दें वो संतुलित दें, रखने की जगह चाहे छोटी बनाइए अच्छी बनाइए, ताकि आपको उत्पादन में दिक्कत न हो। बिल्कुल, चर्चा को जारी रखेंगे, कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे वापस, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7:00। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पे आज के कार्यक्रम का विषय है कुक्कुट पालन और मछली पालन। विषय से संबंधित कोई भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप सीधा हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113-0060 और 61 पे हमें फोन कर सकते हैं। हमारे साथ विषय से संबंधित विशेषज्ञ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, आप सीधा अपना प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपसे अब मैं जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी प्रजातियां जो हमारे मछली पालक हैं उन्हें ले सकते हैं, और कौन कौन सी प्रजातियां अच्छी हैं जिनके बीज अभी शुरुआती दौर में डाले जा सकते हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ सबसे पॉपुलर प्रजाति ये होती है सील है, ज्यादा पैसे कमाने हैं, और भारत की प्रजातियाँ हैं, और इसके साथ ही तीन प्रजातियाँ बाहर से वैज्ञानिकों ने रिकमेंड किया था कि उसमें सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, ये तीन प्रजातियाँ चाइना के मूल की हैं और काफ़ी पहले से करीब तीन चार दशकों से भारत में इन छह प्रजातियों को मिला करके मछली पालन का कार्यक्रम अपनाया गया है, और इनको इस तकनीक को मिश्रित मत्स्य पालन कहते हैं कि सभी छह प्रजातियों को मिला देते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि तालाब में जितना भी पोषक स्तर होता है, जहाँ मछलियों का आहार कुदरती तौर पर उपलब्ध रहता है, उसमें एक तो ऊपर का हिस्सा है, बीच का हिस्सा है और तलहटी का हिस्सा है। मछलियों की जो आदत है, कतला ऊपर रहती है और रोहू बीच में है और नयन बिल्कुल तलहटी में रहती है, उसी तरह से जो बाहर की मछली चाइना की आई उसमें सिल्वर कार्प जो है वो ऊपर रहेगी, ग्रास कार्प उसके नीचे रहेगी, और उसके तरह से फिर जो कॉमन कार्प है वो नयन मछली है उसके साथ साथ रहती है। तो इसमें ये देखना पड़ता है कि जो प्रजाति है उसका एक फार्मूला है, मिक्स फार्मूला है, स्पीसीज मिक्स फार्मूला बोलते हैं उसको, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करना चाहिए। जैसे 40 अगर रोहू कतला नयन तीन जातियाँ पाल रहे हैं तो रोहू 40% होना चाहिए और 30% जो है वो रोहू होना चाहिए और 30% नयन होना चाहिए। एक हेक्टेयर तालाब में 10,000 से 15,000 मछली की बीज जो 25 मिलीमीटर से 35 मिलीमीटर के हों वो डालना चाहिए। ठीक है। और अगर हमें अभी भारत सरकार की नीली क्रांति मिशन के अंदर उन्होंने एक मिशन फिंगरलिंग शुरू किया, मिशन फिंगरलिंग मतलब अंगुलिका, जो अंगुली है लगभग इतनी बड़ी मछली होनी चाहिए, उससे उत्पादकता काफी अच्छी हो जाती है। अच्छा। क्योंकि बड़ी साइज की मछलियां बहुत कम मरती हैं, देखा गया है कि उनकी जो मृत्यु दर है केवल 5% या 10% होती है। अच्छा। बाकी सब जिंदा रहती है। तो अगर 80 से 70 से 100 mm या थोड़ा से ज्यादा भी मछली है तो एक हेक्टेयर में केवल 5,000 बीज अगर डाला जाता है तो वो पर्याप्त है, और उतना बीज डाल करके किसान उसको उसका बाहर से आहार पूरक आहार दे, और कुदरती आहार और पूरक आहार दोनों जरूरी है जी। मछली के आहार के बारे में जरूर जानेंगे किस तरीका आहार जो है मछलियों को देना चाहिए। विजय कुमार जी, लेकिन पहले हमारे साथ कर्नाटक से फोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार विजय कुमार जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आप अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मैं एक मछली पालन का लोन लेना चाह रहा हूँ।
मैं मछली पालने के लिए लोन चाह रहा हूँ, वो दे रहे हैं मैनेजर, इसीलिए बात कर रहे थे। ठीक है, लोन के संबंध में आप जानकारी लेना चाहते हैं, क्या ऋण दिया जाता है? देखिए, इस समय जो पूरे भारत में, मैंने जैसा बताया अभी आपको कि नीली क्रांति मिशन कार्यक्रम चल रहा है, हर प्रदेश में चल रहा है, तो वहाँ जो तालाबों को सुधार है, तालाब अगर पहले से हैं उसमें सुधार करके मछली पालन करना है, बहुत से पुश्तैनी तालाब हैं, ग्राम सभा के तालाब हैं, उसमें मछली पालन किया जा सकता है। तो उसके लिए जो 5 लाख यूनिट कास्ट है उसमें 50% अनुदान भारत सरकार दे रही है। इनका राज्य पता करना होगा इनको जा करके कि वहाँ सामान्यतः कुछ राज्यों में 25%, उत्तर प्रदेश में 25% उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, और 25% किसान को खुद लगाना है। तो आप समझिए एक तरह 75% अनुदान मिल रहा है। अगर तालाब का निर्माण करना है तो उसमें 8.5 लाख रुपया है, तो उसमें भी उसी तरह से पैटर्न है, 50% भारत सरकार, 25% प्रदेश सरकार दे रही है, लेकिन अपने प्रदेश में इनको जाकर के जानकारी लें, तो इस तरह से इनको अनुदान मिल सकता है। जी संजय पाटिल जी हमारे साथ औरंगाबाद से फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका प्रश्न शामिल करते हैं। हेलो संजय जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? संजय जी हम तक आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैडम हम पूछना चाहते थे कि कुक्कुट पालन पे लोन मिलता है क्या? जी कुक्कुट पालन के बारे में आप जानना चाहते हैं, ऋण के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं। बिल्कुल संजय पाटिल जी औरंगाबाद से। संजय जी ऐसा है कि जो कुक्कुट पालन के लिए सरकार ऋण देती है, लेकिन हर सरकार की जो पॉलिसी है वो अलग अलग है। कई राज्य ऐसे हैं जहां इसको प्रोत्साहन के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है, जैसे उत्तर प्रदेश है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पहले सब्सिडी दी गई अब नहीं दी जा रही। इसके लिए जो जहां तक आपके राज्य की बात है, मेरा ये कहना है कि जो भी आपके पास में पशु चिकित्सालय है, क्योंकि सारी सब्सिडी सरकार देती है, तो जो भी पशु चिकित्सालय है वहाँ पशु चिकित्सक से मिलिए, वो आपको इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त बता सकता है कि उस राज्य में, उस जिले में किस तरह की सब्सिडी इसके ऊपर दी जा रही है। बिल्कुल वही डॉक्टर जिंदल आपसे मैं जानना चाहूँगी, जब किसान अपना पोल्ट्री फार्म के लिए अगर उसको खोलते हैं, व्यवसाय के रूप में अगर शुरू करते हैं मुर्गी पालन, तो स्थानीय जगहों से, जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, उनसे कितना दूर जो है पोल्ट्री फार्म होना चाहिए? ये देखो बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आजकल पोल्यूशन, जो प्रदूषण है, उसका एक बहुत बड़ा इशू है। हम ये मानते हैं कि जो रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ पर आवासीय जो भी कॉलोनी बनी हुई है, उसके आसपास पोल्ट्री फार्म न हो, क्योंकि खासकर लेयर फार्म ना हो, और इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से गाइडलाइंस भी इशूड हैं कि भाई कम से कम, जब हमारा जिस तरह जो गांव का एरिया आता है उससे 400 से 500 मीटर तक की दूरी अगर हम रखेंगे, थोड़ा इससे भी फासला कई बार ज़्यादा रखते हो, क्योंकि कई जगह गांव में आप जाएंगे तो एक गांव है, लेकिन गांव से ख़त्म होते ही 2-4 घर फिर आ जाते हैं। तो ऐसी जगह पे जो भी फार्म खोला जाएगा, खासकर लेयर फार्म के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका उनको वहाँ से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप फार्म खोल सकते हैं। क्योंकि सफाई रखने के बावजूद भी जो लोग वहाँ रहते हैं, उनकी ज़्यादातर ये शिकायत रहती है कि मुर्गी की वजह से मक्खी या बदबू या ये दिक्कतें थोड़ी सी ज़्यादा है। मैं भी मानता हूँ इस बात को। तो कोशिश करें मेरे भाई, जो भी आप खोलना चाहते हैं, आवास से कम अगर गांव की आपकी हद इसके बाहर कोई मकान नहीं है, तो 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर आप जरूर जाइएगा और कोशिश करिए कि वहाँ फार्म खोलिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए। लेकिन इसको भी खोलने से पहले आपका जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट का है, जो राज्य सरकार का, उससे आप एक बार जरूर मशवरा कीजिए कि उनकी क्या गाइडलाइंस रहती है। बिल्कुल मदन लाल जी हमारे साथ अजमेर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हाँ जी मदन लाल जी स्वागत है आपका, आपसे गुजारिश है अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए, फिर आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी जी प्रश्न पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब मैं टैंक के अंदर मछली पालन करना चाहता हूँ,
जी टैंक के अंदर। हाँ जी टैंक बढ़ा के जो कितना गहरा कितना लंबा चौड़ा कितना बढ़ाना चाहिए। ठीक है जी डॉक्टर मिश्र। जी देखिए जो मैंने अभी बताया था, एक मत्स्यपालक भाई ने पूछा था कि जो तालाब है उसका जो सबसे कम क्षेत्रफल है जो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है वो 0.2 हेक्टेयर का होना चाहिए, मतलब एक हेक्टेयर का पांचवा हिस्सा होना चाहिए। और तालाब जितना भी आप बड़ा बनाते जाते हैं तो आपका प्रबंध, उसमें प्रबंध की समस्याएं शुरू होती हैं। तो आप एक हेक्टेयर, दो हेक्टेयर से लेकर 5 हेक्टेयर तक के तालाब में भी मछली पालन कर सकते हैं और उसमें सरकारी सहायता भी उपलब्ध है, जैसा कि मैंने आपको बताया नीली क्रांति मिशन के अंतर्गत भारत सरकार तालाब सुधार पर 5 लाख दे रही है और 5 लाख के यूनिट कास्ट पर वो 50% अनुदान दे रही है। और इसी तरह अगर निर्माण कार्य आप करेंगे 8.5 लाख रुपये की यूनिट कास्ट पर भारत सरकार 50% अनुदान दे रही है तो आप कर सकते हैं। कमलदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इस वक्त झारखंड से, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो कमलदीप जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार मैम, मैं अरविंद मिश्रा सर से जी नमस्कार मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि ये चीतल मछली के बारे में कि हम लोग गंगा नदी से जून जुलाई चीतल की ब्रीडिंग सीजन होती है उसमें हम लोग कैचिंग करते हैं ये छोटी साइज की मछली 1 इंच के लगभग, तो इसका सर्वाइवलिटी कैसे हो फिंगरलिंग तक अंगुलिका बनाने तक में ज़्यादा सर्वाइवल कैसे हो, ये तो थोड़ी मुश्किल होती है सर्वाइवलिटी में, तो ये डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहता हूँ। जी डॉक्टर कमल देव चौधरी जी आपका सवाल बहुत अच्छा है। चीतल मछली जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य की राज्य मीन ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सिफारिश की थी बनाई जाए। और ये जो मछली है अभी जैसा कि आपने खुद बताया कि इसका जो नदियों से इसके बीच का कलेक्शन वो हो पा रहा है अच्छी तरह से, अब शुरू हो चुका है, लेकिन अभी इसका प्रजनन जो है बहुत कम जगहों पर हैचरी से इसके बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बढ़ने वाली मछली है और इसका बढ़वार बहुत तेज होती है, मांसाहारी प्रवृत्ति की मछली है, मुंह बहुत छोटा होता है इसका और इसको अभी शुरुआत हुई है, बहुत जगह से लोग इसको पालना शुरू किए हैं, तो इसमें जो खास तौर पर इसकी जो पेटी होती है नीचे वाला हिस्सा वो बहुत लोग पसंद करते हैं। रोहू कतला नैन जो है 150 से 200 किलो की मिलती है, लेकिन चीतल मछली 500 से 600 रुपये किलो की मिलती है। अभी शुरुआत हो रही है, बीज के लिए अभी हमको नदी पर ही ज़्यादातर निर्भर करना है। अभी कुछ जगहों पर से हरियाणा में आपके सुल्तान सिंह जी हैं उन्होंने इसका प्रयास किया है बीज उत्पादन करने का, लेकिन अभी आरंभिक तौर पर है। कमल चौधरी जी जो आपने कहा कि अभी नदियों से जो बीज कलेक्शन करके ही इसको कांटेक्ट करके उनसे जो नदी से बच्चे ले रहे हैं किसान भाई इसका जरूर इसका डालें तालाबों में और इसको पालें, चीतल एक बहुत अच्छी मछली है। बिल्कुल, तो तमाम जानकारियों के साथ एक बार फिर होंगे हाजिर कार्यक्रम में, लेते हैं फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पे आज के कार्यक्रम का विषय है मछली पालन एवं कुक्कुट पालन। विषय से संबंधित कोई भी ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधा हमारे टोल फ्री नंबर 1800-1130-6061 पे हमें फोन कर सकते हैं। डॉक्टर जिंदल, अब हम आपसे जानना चाहेंगे टीकाकरण के बारे में, ब्रॉयलर में क्या टीकाकरण करवाना अनिवार्य है, जरूरी है? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ब्रॉयलर में कुछ वायरल बीमारियां ऐसी आती हैं जिसको हम विषाणुओं से फैलने वाली बीमारियां कहते हैं, जैसे रानीखेत की बीमारी है, एक इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस बीमारी है, एक गंबोरो बीमारी है जिसको हम बर्सल डिजीज़ इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ बोलते हैं।
ये बीमारियां ऐसी हैं जिससे खासकर अगर हम रानीखेत और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की बात करें तो इससे किसी भी उम्र के चूजे को मृत्यु दर और बीमारी होने की आशंका में वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। जब मृत्यु दर ज़्यादा होगा तो जो किसान का प्रॉफिट है वो सारा का सारा चला जाता है और चूजा जो बच भी जाएगा वो वजन कम लेता है। इसी तरह गम्बोरो है, गम्बोरो भी खासकर 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद चूजों में ज़्यादा असर डालती है और इसके भी आने के बाद मृत्यु दर कई बार ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए ये 2-3 बीमारियाँ ऐसी हैं जिसके लिए हर हालत में किसान भाई कोशिश करें कि ब्रॉयलर में इन 2-3 बीमारियों का टीकाकरण जरूर हो। लेकिन टीकाकरण करते समय कुछ बातें याद रखनी बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो भी हमने दवाई दे दी तो हम ये मान के चले कि हमारे चूजों में बीमारी नहीं आएगी। और जब भी टीकाकरण की जब बात आती है तो टीकाकरण 2 तरह से होता है। एक तो हम ये कहें कि जो वैक्सीन है उसको हम पानी में पिलाएं, और एक तरीका है कि हम वैक्सीन को सुई के जरिए टीका लगा के उसके मतलब किसी भी तरीके से वो मुर्गी या चूजे के अंदर दें। तो जो पानी में पिलाने वाली है काफ़ी दिक्कतें आती हैं कि किसान भाई कह देते हैं कि जी हमने पानी के जरिए ये टीका पिलाया था लेकिन पिलाने के बावजूद भी बीमारी आ गई। तो कुछ छोटी छोटी गलतियां पिलाने के समय हो जाती हैं, जैसे कई बार क्या है कि पानी को साफ करने के लिए हम दवाइयां डालते हैं, अगर उसके साथ ही वैक्सीन मिला के दे देंगे तो वो भी वैक्सीन उतना काम नहीं करती जितना उसको करना चाहिए। इसी तरह अगर वैक्सीन के ऊपर सूर्य की किरणें ज़्यादा देर पड़ती हैं, गर्मी है मान लो, या आपने कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं किया कि जिससे वैक्सीन को ठंडे उसमें रख सकते हो, उसके कारण भी आपको कई बार वैक्सीन की क्वालिटी कमज़ोर हो जाएगी, उसके अंदर जो कीटाणु है वो असर कम हो जाएगा। तीसरा आता है कि कई बार हम जब टीका मार्केट से तो खरीद लाए लेकिन खरीदने के वक्त हम कभी थर्मोस वगैरह नहीं लेके गए। हम क्या करते हैं कि दुकानदार क्या करेगा कि पॉलिथीन में डाल के वैक्सीन दे देगा और साथ में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाल दिया, और हो सकता है वो किसान भाई 1.5 या 2 या 3 घंटे में जाके अपने फार्म पे पहुंचे। और वो उससे भी कई बार ये देखा गया है कि अगर आपका एक सही तापमान वैक्सीन का नहीं बना के रखोगे तो भी आपकी वैक्सीन की क्वालिटी कम हो जाएगी जी। जैसे ब्रॉयलर में है ऐसे ही लेयर में भी हम वैक्सीन करते हैं। लेयर में बीमारियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं जिसकी हमको लगातार वैक्सीन करने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो रानीखेत की हो, चाहे आईबी की हो, चाहे गम्बोरो की हो, चाहे कोराइजा की हो। ऐसी कई बीमारियां हैं जिसकी हम लगातार इसका वैक्सीनेशन करवाते हैं और वो रूटीन में करवाना चाहिए ताकि प्रोडक्शन अच्छी मिल सके। बिल्कुल। राकेश जी लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो, हेलो राकेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझसे मछली पालने संबंधित मेरे लखनऊ में है, आसपास ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है और उसकी संबंधित जानकारी क्या चाहिए? बिल्कुल, ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में कहाँ है? लखनऊ में ट्रेनिंग सेंटर चिनहट में है। ठीक है, और वहाँ के लिए आप मत्स्य विभाग लखनऊ में है तो मत्स्य विभाग का कार्यालय वहाँ पर बाबूगंज में है, मत्स्य निदेशालय आईटी चौराहे के पास, रामाधीन इंटर कॉलेज के पास है। पशुपालन विभाग और मत्स्य विभाग एक साथ ही है, वहाँ आप चले जाइए, वहाँ जा कर के आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं कि ट्रेनिंग उनको कहाँ से मिलेगी। वहाँ जिला स्तर के कार्यालय का भी वहाँ जानकारी मिल जाएगी, लखनऊ में है तो कोई दिक्कत उनको नहीं। शिव शंकर जी भागलपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी, हेलो जी, शिवशंकर जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? फोन लाइन कट गई। डॉक्टर मिश्र आपके पास वापस आएंगे, आहार के बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, किस तरीके का आहार मछलियों को देना चाहिए? मछुआलक भाई हमेशा ये ध्यान रखें कि मछली के लिए 2 तरह का आहार महत्वपूर्ण है। एक तो कुदरती आहार जो तालाब में ही पैदा होता है, उसके लिए उनको तालाब में गोबर का प्रयोग करना चाहिए और रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। 1 हेक्टेयर का तालाब है तो उसमें 10 टन गोबर उनको 1 हेक्टेयर में साल भर में 10 टन गोबर की ज़रूरत, हर महीने 1-1 टन की औसत दर से उनको किनारे किनारे पर गोबर डालना चाहिए, जिससे जूओ प्लैंकटन, जंतु प्लवक, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मछलियाँ खाती हैं,
और इसी के साथ साथ जो है रासायनिक खाद का इस्तेमाल एनपीके है, जिसमें सभी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, लेकिन इसीलिए उनको अपने तालाब की मिट्टी की जांच करानी चाहिए तो पता लग पाएगा कि कौन सी खाद की कितनी मात्रा देनी चाहिए। मोटे तौर पर 600, 700 किलोग्राम, 740 किलोग्राम ये मोटे तौर बताया जाता है, लेकिन मिट्टी की जांच अवश्य आप करवा लीजिए। और वो आप अगर 740 ग्राम देते हैं तो उसको 10 भागों में अगर बांटते हैं, क्योंकि सामान्यतः 10 महीने का कल्चर होता है ये, तो 10 महीने में 74 किलोग्राम एनपीके तालाब में डालिए, तो उससे जो फाइटोप्लैंकटन वानस्पतिक प्लवक होता है तो ये तैयार होता है तालाब में। वानस्पतिक प्लवक और जंतु प्लवक दोनों तालाब में कुदरती भोजन है। अब कुदरती भोजन के साथ ही साथ बाहर से आहार, जिसको पूरक आहार सप्लीमेंट्री फीडिंग कराते हैं, वो किसान भाई को देना चाहिए। वो सामान्यतः जो सुलभ है उसमें खली है, सरसों की खली है और चावल का कना है, ये मिला करके दोनों आधा आधा मात्रा में मछलियों को दिया जाता है। और ये इस तरह से आप दे सकते हैं कि मोटे तौर पर मछली जो तालाब में है उसका एक मोटे तौर पर देख लें कि कितना वजन है उसका, उसका 2-3% वजन, 2-3, अगर 100 किलो मछली है तो 2-3 किलो मछलियाँ, वजन बढ़ता जा रहा है तो पूरा आहार, लेकिन ये रोज देना होता है। किसान भाइयों को जानना चाहिए कि जीवित प्राणी हैं तो उनको रोज खाना देंगे तो उनकी बढ़वार अच्छी होगी। खली और कना आधा आधा मात्रा में खली, आधा किला कना शुरू में अगर ये तैयार कर लें तो इस तरह से एक हेक्टेयर से जी। अगर वो नियमित उसको कुदरती भोजन उसमें बन रहा है, परिपूरक आहार नियमित वो दे रहे हैं 2-3% उनके वजन के हिसाब से, तो एक तालाब से वे आसानी से 5000 किलोग्राम मछली पैदा कर सकते हैं। और किसानों ने ये 10000 किलोग्राम और 15000 किलोग्राम तक आराम से मछली का उत्पादन हो रहा है, इसलिए ये बहुत ही फायदे का धंधा है। इससे लोग अच्छी आमदनी कर सकते हैं, लोगों को रोजगार भी इससे बहुत मिल रहा है। बिल्कुल। नरेश चंद जी लखीमपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो। हेलो जी। नरेश चंद जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब से मछली पालन के संबंध में बात करना था जी। जी पूछिए जी। ऐसा है, हमने तहसील से पट्टा कराया हुआ है जमीन का, तालाब का, तो उसको हमको खुदाई कराना है, तो क्या उसको जेसीबी मशीन से खुदाई करा सकते हैं, क्योंकि खनन विभाग वाले दिक्कत करते हैं। और एक संबंध में और हमको थोड़ी ये जानकारी चाहिए थी कि तालाब के ऊपर मचान वृक्ष से बना करके क्या उसके ऊपर कुक्कुट पालन भी किया जा सकता है, और इसके लोन वगैरह के संबंध में कहाँ से संपर्क करें हम। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत अच्छा सवाल आपका है। तो इनके सवाल दो हिस्सों में इन्होंने पूछा है कि एक तो इनका कुक्कुट पालन भी किया जा सकता है, मछली पालन, तो मछली पालन के साथ, और इनको लोन वगैरह की सुविधाएं कहाँ से मिल सकती हैं। तो हाँ, हमारे साथ कुक्कुट के विशेषज्ञ डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो आप बता ही रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। अगर आप मछली पालन के साथ कुक्कुट पालन करते हैं, एक मचान बना करके उसके ऊपर मुर्गियाँ पालते हैं, मुर्गे पालते हैं, तो उनसे जो निकलने वाला बीट, उसका जो वेस्ट है, मलमूत्र है, वो सीधे तालाब में जा करके गिरता है, और उससे तालाब की उर्वरता काफी बढ़ जाती है। तब जो आप पूरक आहार दे रहे हैं उसकी मात्रा कम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि एक साथ ही आप मछली के पालन के साथ साथ मुर्गी पालन करें, बिल्कुल करें। और जहाँ तक आपका सवाल ये था कि कहाँ से उनको लोन इत्यादि क्या है, आपके जिले में मछली पालन विभाग का कार्यालय है, वहाँ जाइए। नीली क्रांति मिशन के अंतर्गत मैं बता चुका हूँ इसके पहले किसान भाइयों को कि वहाँ जा करके पता करें। अगर आपको तालाब नया बनवाना है तो 8.5 लाख रुपए आपको खर्च करने होंगे, जिसमें आपको 75% तक आपको सरकार अनुदान दे रही है, तो आप उसे जेसीबी से करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्होंने कहा कि जेसीबी से तालाब खुदवाने पर प्रतिबंध है, ये एक तरह का भ्रम शुरू में पैदा हुआ था, लेकिन अब खनिज विभाग, खनन विभाग में शासनादेश आ चुका है कि जो ये उप खनिज हैं तालाब खोदने के लिए, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। इसको जा करके स्पष्ट करा लें, अपने यहाँ के डीएम साहब, कलेक्टर साहब के यहाँ जाएं और वो शासनादेश निकलवा करके ये बताएं कि उस पर कोई प्रतिबंध अब नहीं है।
जी जी चंदन शर्मा जी झारखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो 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 मां जी, चंदन शर्मा जी स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछे, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ नमस्कार मैम जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं मछली पालन के बारे में जानकारी चाहता हूँ। हेलो, क्या पूछना जी? मछली पालन के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? हम लोग का जो तालाब है पथरीला तालाब है, छोटा सा तालाब है। टेलीविजन की आवाज कौन सा मछली उत्पाद ज्यादा नहीं होता है, कौन सा मछली दे की ज्यादा बढ़े? बिल्कुल पथरीला तालाब है, उत्पादन ज्यादा नहीं मिलता है, कौन सी मछली ले सकते? देखिए पथरीला तालाब तो ठीक है, उसमें सीपेज नहीं होना चाहिए, पानी अगर तेजी से रिस करके नीचे जा रहा है तो वो समस्या है और उसमें तो दिक्कत होगी उनको। लेकिन अगर पथरीला तालाब पानी उसमें रुका हुआ रहता है तो मछली को होता क्या है कि मछली को खाना नहीं देते हैं लोग, पूरक आहार नहीं देते हैं, मछली के बच्चे तालाब डालते हैं और सोचते हैं वो अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। आप पूरक आहार दीजिए उनको, खली कना मैंने बताया कि उनको उनका वजन के हिसाब से बच्चे डालिए और खली कना का बाहर से पूरक आहार देंगे तो निश्चित तौर पर मछलियों की बढ़वार अच्छी होगी और बढ़िया मछली पलेगी। बिल्कुल, कुछ हमारे पास प्रश्न हमारे दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर में हमारे दर्शक रिकॉर्ड करवाते हैं जिनका फोन कॉल हम शामिल नहीं कर पाते समय की कमी की वजह से, तो कुछ ऐसे ही तीन प्रश्न हमारे पास आए हैं। पहले कुक्कुट पालन के संबंध में लेते हैं। राजेश कुमार जी ने हमें बिहार से लिखा है, मुर्गी के चूजे कहाँ से खरीद सकते हैं? मुर्गी के जैसा मैंने आपको ये बताया कि एक हैचरी है जो मान लो जो जहाँ इनके पेरेंट रखे जाते हैं चूजों के, तो आप हैचरीज मान लो जिस तरह हरियाणा है, पंजाब है, आपका उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया है वहाँ पर, और हो सकता है बिहार में भी ऐसी हैचरीज कई हों, वो हैचरी जो मीट वाले चूजों के बच्चे सप्लाई करती है जिसको हम ब्रॉयलर बोलते हैं, आप कोई भी हैचरी वहाँ पे ले सकते हैं और उस हैचरी से एक दिन का आपको चूजा मिलेगा, वो जो एक दिन का चूजा आप लेके आइएगा और उसको पालिए, 6 हफ्तों तक वो आप उसको मीट पर्पस के लिए तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, कुलजीत सिंह जी ने हमें पंजाब से लिखा है, हमारे पास अंडे और मांस वाली दोनों ही नस्लें हैं, तो मुर्गी के अंडे का वजन कैसे बढ़ाएं और मांस वालों में फैट का तरीका बढ़ाएं क्या? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि आजकल हम सब ये चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा हो, प्रोडक्शन में जो आहार है, आहार में काफी कुछ बदलाव किया गया है ताकि हम कम समय में अच्छा चूजा तैयार कर सके। उसमें प्रोटीन बढ़ाने का भी सबसे एक अच्छा साधन है कि अगर हम थोड़ा प्रोटीन बढ़ाते हैं हम जो वेट है, जो वजन है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि जो ब्रीड हमने पाली है उसकी एक वजन बढ़ाने की क्षमता है, उस क्षमता से हम थोड़ा सा ऊपर तो जा सकते हैं पर ज्यादा नहीं। लेकिन जैसे आप अगर आज आप फीड देखें, ब्रॉयलर का जो फीड आ रहा है उसमें पहले 10 दिन का फीड अलग है, फिर 11 से 24 दिन तक फीड अलग है, और 24 दिन के बाद दो तरह के फीड मार्केट में है कि जिनको आप देने से अगर लगातार देते हैं तो आपकी ग्रोथ अच्छी आएगी। फिर भी हम ये मानते हैं कि अगर कोई भी मुर्गी पालक भाई अपना फीड भी बनाना चाहता है जिसमें मान लो सोया है, मक्का है, बाजरा है, राइस पॉलिश है, कई तत्व भी डलते हैं और इसमें कम से कम 15 से 20 हमारी दवाइयां भी हैं, वो भी मिला के हम इसको अच्छे वजन की तरफ ले जा सकते हैं। प्रकाश मधुर जी का हमें मैसेज आया है, अपना प्रश्न उन्होंने पूछा है दिल्ली से, और वो कहते हैं कि मछलियों के तालाब में ऐसे कौन से पौधे लगाएं जिससे ऑक्सीजन का संचार हो पाए? प्रकाश माथुर जी आपका जो सवाल है थोड़ा उसमें आपको समझना होगा कि जो आप तालाब हैं उसमें हम लोग ये कहते हैं कि जो अवांछित मछलियां हैं और अवांछित पौधे हैं उनको सबको हटाना पड़ता है व्यावसायिक मछली पालन के लिए। ये ज़रूर है कि बहुत से पौधे हैं, जैसे हाइड्रिला है, वो ऑक्सीजन बहुत अच्छा उत्पादन करती है तालाब में, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आप उसको तालाब में डाल देंगे
तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में तो ऑक्सीजन देती हैं, लेकिन अगर बादल छाए रहे तीन चार दिनों, मतलब जब तक सूर्य निकला, जब तक सूर्य नहीं निकला दो तीन दिनों तक, तो ये जो वहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध है उसको भी खत्म कर देंगी। और अगर ऑक्सीजन वातावरण में खत्म हो जाएगी तो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, जो मछलियां घुली हुई ऑक्सीजन अपनी गलफड़ों से लेती हैं, वो तालाब में कम हो जाती है। नतीजा यह हो जाता है कि सुबह होते होते बहुत सी मछलियां तड़फड़ाते हुए ऊपर आकर के मरने लगती हैं। तो जो सजग किसान भाई हैं, सुबह 5 बजे उनको तालाब पर जाना चाहिए, देखने के लिए उनकी मछलियां तड़प करके मर तो नहीं रही हैं, ऊपर मुंह खोल खोल कर आ तो नहीं रही हैं। तो इससे अगर ऐसा है तालाब में, जिसका मतलब तालाब में ऑक्सीजन कम हो गई है, अगर तालाब में ऐसे पौधों को डाल देते हैं वो, तो बरसात के मौके पर और जब बादल छाए रहेंगे तो मछलियां तेजी से मरने लगेंगी और ऑक्सीजन कमी हो जाएगी। तो इसलिए मैं इनको साफ कहता हूं कि ऐसे किसी पौधे को तालाब में न ये डालें और उसको न बढ़ाएं। बिल्कुल, बहुत संक्षेप में कम शब्दों में आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी एक ही प्रश्न, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की जा रही है, किस तरह से जो है मछली पालन और कुक्कुट पालन इसके अंदर आगे आ सकता है आमदनी बढ़ाने में? देखिए, जैसे कुक्कुट पालन की बात की जाती है, चाहे हम ब्रॉयलर ले या लेयर ले, दोनों सेगमेंट में अगर हम बड़े अच्छे तरीके से बड़े फार्म और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में अगर हम चलते हैं, भी मान लो छोटे फार्मिंग में दिक्कत थोड़ी सी आएगी, अगर बड़े फार्म लगा के चलते हैं और इकोनॉमिक्स की तरफ जरूर देखें कि भी हम क्या खर्चा कर रहे हैं और क्या हमको मिल रहा है, और तब जाके हम जो हम इनपुट्स दे रहे हैं, जो भी हम उस पर खर्चा कर रहे हैं, उसको थोड़ा 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 खर्चे को कम करते आएंगे, और जो फीड में बदलाव या जो जेनेटिक बदलाव जिस तरह हो रहा है, इनके मद्देनजर चलते हुए हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, खर्चा हमको कम थोड़ा सा करना होगा ताकि हम आय को जरूर बढ़ाएं। हमें ये भी जरूर देखना है कि मौसम को मद्देनजर रखते हुए, उनमें बीमारी को मद्देनजर रखते हुए, टीकाकरण को हो, हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो, ये सब चीजों को अगर हम लेके चलेंगे तो जरूर हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, आखिरी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर देवशीष जी मौजूद हैं हावड़ा से, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो, हेलो जी, देवशीष जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मेरा प्रश्न ये है कि मेरा चीतल पल रहे हैं, उसका चारा कहाँ से मिले और इसका कैसे देखभाल करें? अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराए। चीतल पालना है मेरे को, चीतल मछली पालना है, ये कहाँ से मिले? हाँ हाँ, चीतल मछली, इसका चारा कहाँ से मिले और इसका कैसे कहाँ से मिले? चीतल मछली के बारे में पहले प्रश्न का उत्तर भी जोड़ दीजिएगा, जोड़ देंगे। जो चीतल मछली का आपने जो पूछा है, तो देखिए अभी इसके पहले कमल देव चौधरी जी ने इसमें एक सवाल पूछा था, उन्होंने बताया था कि वो मछली चीतल मछली की बीज वो नदियों से इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर जो नदियों से इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ से मिल पाएंगी चीतल मछली बीज, लेकिन अब वो सीजन खत्म हो रहा है, लगभग खत्म हो गया है चीतल मछली के बीज, अप्रैल मई जून जुलाई, अब अगस्त में अब लगभग खत्म है, तो इसलिए अगले साल के लिए वो झारखंड और बिहार में नदियों से जो लोग इकट्ठा करते हैं उनसे जा करके मदद ले सकते हैं। और दूसरा जो जैसा कि मत्स्य पालकों की आमदनी या किसानों की आमदनी दुगुनी करनी है 2022 तक के लिए, तो उसमें इंटीग्रेशन टमाटर के सूख रहे हैं और आपका ये जो हॉर्टिकल्चर है वो उद्यान भी बंधे पर जो है आप वो कर सकते हैं, इसके साथ साथ पशुपालन को भी जोड़ करके आप इकट्ठा जब करेंगे, समेकन करेंगे, समेकित मछली पालन करके आप अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, अपनी आमदनी दुगुनी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप लोग आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया। तो हमारे आज के कार्यक्रम का विषय यही था, मछली पालन और कुक्कुट पालन। हम आशा करते हैं कि हमारे आज के कार्यक्रम में मिली गई जानकारियों का आप सभी जरूर लाभ उठाएंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है खेती किसानी या फिर पशुपालन से संबंधित, तो आप हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक पर अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं और हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी आप अपना विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न आप अपना भेज सकते हैं। हमारे दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर आपके लिए सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध रहता है, 1800-1130-60। अब हमारे कल के जागो किसान कार्यक्रम का जो विषय है वो रहेगा घर ओहो अपना टूट गया सपना।
तो कल के कार्यक्रम में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।